हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का अगला पार्ट लेके आई हूँ, दिशा और दूरी निकालना। मतलब आज हम इसमें दिशा भी, कल लास्ट वीडियो में हमने एंगल निकाला था, एंगल से हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते वो हमने सीखा था। आज हम क्या करेंगे, हम लोग किसी डायग्राम से दिशा भी निकालेंगे और उसकी दूरी भी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट है हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रियल मैम रीजनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली आपके सामने वीडियोस आया करेंगी। आपको मिनिमम टाइम के अंदर, कम समय के अंदर एक नई चीज सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को, दिशा और दूरी। सबसे शुरुआत करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, मैं लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मेट होता है, आपको याद होना चाहिए। ये नॉर्थ होता है हमेशा, ये साउथ होगा हमेशा, ये ईस्ट होगा हमेशा, और ये होगा वेस्ट। ये चीज आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी बैठे हो, किधर भी मूव हो, आपका किस टाइप से बैठे हो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगली चीज देखेंगे इसके अंदर हम लोग, पाइथागोरस निकालना सीखेंगे। आपको आता होगा मुझे पता है, लेकिन हम कुछ डायग्राम से एक कैसे हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे वो हम सीखते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए पॉइंट पे, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ एक पॉइंट पे, पहले वो नॉर्थ की तरफ चला 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर उसका मन हुआ वो राइट मुड़ गया, राइट में मुड़ गया, कितना चला 20 मीटर, राइट में मुड़ा। हमेशा जब भी मोड़ना होगा हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ेंगे, ऐसे नहीं ऐसे मोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं मोड़ेंगे, हमेशा हमेशा मोड़ने का मतलब है 90 डिग्री पे मोड़ना। 20 मीटर चला वो राइट में मोड़ने के बाद, वापस उसका मन हुआ मैं साउथ की ओर जाऊंगा, तो यहाँ पे वो साउथ की ओर मुड़ गया, कितना चला 30 मीटर। अब बात समझिएगा, ये हमारे पास 10 है और हमें 30 चलना है नीचे की ओर, तो हमने 30 चले, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, आपका मन के यहाँ रुक जाए नहीं रुक सकते, क्योंकि ये पूरा 10 है, 10 के बाद ही 30 आएगा, तो जो लाइन बनेगी इधर की वो 10 से बड़ी बननी चाहिए, तो 10 से बड़ी लाइन बनेगी, चाहे कितनी बड़ी, चाहे इतनी बड़ी बनाओ, चाहे इतनी बड़ी बनाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 से बड़ी बनेगी लाइन। तो ये 10 था, तो ये भी 10 हो गया, बचा कुछ आपका 20 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको समझने वाली है, हम लोग ऐसे चले थे फिर यू आए फिर नहीं चले, मतलब ये दोनों जो होनी चाहिए लाइनें हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, हमेशा पैरेलल बनाएंगे आप लोग, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, हमेशा लाइंस पैरेलल बनेंगी, ये इसके परपेंडिकुलर, फिर ये आई तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये इसके पैरेलल होगी, तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना जब भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो ये 10, ये 20 था तो ये 20 बन गया, ये पूरा 30 था तो ये 10 और ये 20 हो गया। अब हमें निकालना है ए और बीच, बी के बीच की दूरी, क्या निकालना हमें, ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम ए बी और सी के अंदर एंगल में, कैसे लगाएंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर है, वही ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर के बराबर है। ये आप लोग बचपन में सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसके बराबर हो जाएगा, तो रूट 800 आ गया आपका ए बी का रूट। ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी निकालना हो हमेशा हम इस टाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका कितना दूरी निकालना। एक बात और सुनिए, दूरी निकालना आ गया, अगर आपसे पूछे दिशा, आपसे पूछा है बी से ए किस दिशा में है, किस दिशा में है, एक नया सवाल पूछ लिया मैंने, अगर बी की ओर से मैं देखूं, अगर बी की साइड से मैं देखूं तो ए कहां पे है, तो कैसे निकालोगे, बी पे एक प्लस बनाओगे, बी पे प्लस बनाओगे, इस डॉट को इससे जोड़ोगे। अब देखो ये कहां जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अगर बी से मैं देखूंगी तो ए कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, कैसे निकाला, जहां से निकालना है वहां पे प्लस का साइन बनाइएगा, उसके सेंटर पॉइंट को जहां तक जाना है वहां पे जोड़िएगा। अब देखिए लाइन किधर जा रही है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच से निकल रही है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका आंसर, तो कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। ये था आपका कंसेप्ट डायरेक्शन डिस्टेंस का। अब सवाल देखिए, पर हमें सवाल करने में बहुत दिक्कत होती है, मेनली बच्चों को दिक्कत क्या होती है, लेफ्ट राइट को सोचने में, तो इसका भी मैंने आज जुगाड़ निकाला है कि लेफ्ट राइट हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो सवाल को लेते हैं, पहले हम पहला सवाल लेते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपके सामने, सवाल को पहले पढ़ लीजिए एक बार,
हम सवाल करेंगे एक पेपर के थ्रू, आपके एग्जाम में शीट ऐसी आती होगी, आपके एग्जाम में शीट ऐसी आती है, सेम इसी टाइप से स्क्रीन पे सवाल लिखा होता है आपको, और आपको दिक्कत होती है डायग्राम बनाने में, क्योंकि आप गलती करते थे कभी लेफ्ट बनाने में कभी राइट बनाने में, तो आज इस गलती का निवारण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आपको ये पेपर स्क्रीन पे दिखेगा तो नहीं, पर इस पे मार्कर चलता हुआ जरूर दिखेगा, ये पेपर तो नहीं दिखेगा पर मार्कर चलेगा जब इस पे वो जरूर दिखेगा। अब देखिए सवाल की ओर, पहले वो आदमी चला कितना, 60 मीटर ईस्ट चला, 60 मीटर ईस्ट चल गया, कितना चला 60 मीटर चल गया 60 मीटर ईस्ट। अब क्या करो, जैसे जैसे ये एरो है वैसे वैसे घूमो, इसको एरो को ऐसे कर लिया, अब बिल्कुल सही है, मेरा भी हाथ ऐसे ही है, इस एरो को भी ऐसे ही है, 60 मीटर हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद वो राइट मुड़ा, अब देखो ऐसे था पहले तो वो, यहाँ पे राइट मुड़ने में गड़बड़ होती ऊपर नीचे, पर अगर हमने ऐसे कर लिया राइट, देखो राइट क्या है, राइट मुड़ गया, राइट मुड़ा, कितना चला वो राइट में, 50 मीटर चला, 50 मीटर राइट में मुड़ गया। अब ये कहाँ पे ऐसे, घुमा लो पेपर को ऐसे, पेपर ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, घुमा लिया, अब कहाँ पे, ये रहा हमारा राइट, ऊपर की तरफ मुंह है ये रहा, अब कहाँ चला अब वो, देन क्या हुआ, हाँ लास्ट ही टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में मुड़ा, इधर नहीं लेफ्ट की ओर, लेफ्ट मुड़ा, कितना मुड़ा लेफ्ट की ओर वो, 60 मीटर मुड़ा, 60 मीटर लेफ्ट की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है और बी की ओर पहुंच गया, ठीक है, फाइंड द ए बी, ए बी के पता लगाना, मतलब ए ये रहा और बी अब पहुंचा वो पहुंच गया, ठीक है, अब पता लगाना है कि ए और बीच की दूरी कितनी है, समझ में कैसे किया हमने सवाल को, समझा, जैसे ऐसे बोलते हैं हम लोग को एरो की दिशा में चलना है, एरो की दिशा, देखो पहले हम ऐसे थे, एरो इधर था, फिर घूम गए ऐसे इधर चले, फिर घूम गए ऐसे इधर चल गए, एरो के साथ से चलोगे तो आराम से डायग्राम बना पाओगे। अब ए और बी की दूरी निकाल पाओगे आराम से, ये दूरी कितनी यहां से यहां तक की, 60 + 60 = 120, तो दूरी ये हो गई, इतनी 120 है, ये कितनी है 50 है, इसका स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर आपके आंसर के बराबर हो जाएगा, आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। मेन दिक्कत होती थी आप लोगों को क्या करने में, कि निकालते कैसे हैं, तो पेपर का इस्तेमाल कीजिए इतना हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसा ही शीट मिलेगी आपको, घुमाते जाओ उसको, उसको घुमाओ, खुद मत घूमो ऐसे 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 घूम रहे, नहीं ऐसे नहीं घूम रहा, पेपर घुमाओ, पेपर घुमाते जाओगे वैसे वैसे आपका डायग्राम बनता जाएगा। क्लियर हुआ आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है हम लोगों, क्लियर हुआ सवाल। एक सवाल और देखती हूँ मैं आपके सामने, दिखाती हूँ, बताइएगा इसका जवाब कैसे निकालेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सवाल को देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ, सवाल को पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका डायग्राम बनाना चालू करेंगे, हम लोग इसका भी डायग्राम बनाना चालू करेंगे, ठीक है। सवाल को देखिए, ये रहा आपका अगली शीट, सेम वही शीट मैंने ले लिया आपके सामने, वापस से आ जाइए, वापस से आ जाइए, ले लीजिए आपका शीट, ले रही शीट। अब शुरुआत करते हैं, पहले वो गया 100 मीटर ईस्ट, 100 यहां से शुरुआत करते हैं, 100 मीटर ईस्ट गया, 100 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, घुमा लो इसको ऐसे है, ऊपर ले जाओ, एरो के हमेशा एरो मेरे ऊपर होना चाहिए, सेम टू सेम एरो वाला। अब क्या है, उसके बाद से राइट लिया, राइट ले लिया, राइट पर चल गया, राइट लिया कितना चला 100 मीटर, वापस 100 मीटर चल गया राइट के बाद भी, ऐसे है घुमा लो, ये रहा राइट में 100 मीटर आ गया यहाँ पे हम लोग। अब क्या किया उसने, वापस राइट लिया 20 चला, राइट लिया और 20, ये पूरा 100 है तो 20 छोटा सा होगा, 20 इतना हो गया मान लेते हैं, यहाँ 20 चला गया। अब इसको वापस ऐसे ले लो, अब क्या बोल रहे हैं वो, उसके बाद वापस राइट लिया और 250 चला, राइट लिया 250 चला, राइट ऐसे है, ये 100 है इसको क्रॉस करेगा, 250, 100 ये हो गया और 150 ये हो गया, यहाँ पहुंच गए हम, ठीक है, तो ऐसे हैं, ऐसे ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बी आ गया, ये बी है और ये आपका ए था, अब पूछ क्या रहा है, ए और बी का दूरी, दूरी निकाल लोगे आप लोग, ये कितना है 150, 150 का स्क्वायर हो गया, ये कितना है आपका, ये पूरा कितना था, ये 150 था, ये 20 था, सॉरी ये 20 था, तो ये क्या होता है 80 हो जाएगा, 150 + 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट निकल देना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं अगर आपको तरीके आते हो, तो देखिए कितना आसान से निकाल लिया, आप खुद मत घूमो पेपर को घुमाओ, जैसे जैसे एरो घूम रहा है वैसे वैसे आपको घुमाते जाओ उसको, आराम से आप कोई भी डायरेक्शन को, कोई भी डायरेक्शन समझ लो,
सही कर सकते हो बिना गलती, क्योंकि इसमें मेनली गलती पता क्या होती है, आपको आता है मुझे पता है, गलती होती है राइट लेफ्ट में, तो यहाँ से आपकी वो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको समझ में आया हो कि कोई भी डायरेक्शन का सवाल हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम दूरी निकालें, कैसे दिशा निकालेंगे, तो ये आपका सबसे आसान तरीका है निकालने का। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने पहली बार देखा हो, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम कल वापस से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।